अरे भैया, कल हमने भाभी को देखा था मार्केट में मटर खरीदते हुए। बड़ी खूबसूरत लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि मटर उन्हें खरीद रहा है। गंदी नजर के आदमी, हमारी बीबी पे गंदी नजर रखते रहते हो। हमारी बीबी बोलती है, एक नंगा आदमी कतई जहर वाली आंखों से हमारे ऊपर नजर गड़ाए बैठा रहता है। ऐसा होगा, ऐसा जोकर आदमी हमने नहीं देखा बेटा। हमारी बीबी पे नजर रखते हो यार, भाभी माँ समान होती है। अपनी बीबी को नहीं देखते हो, नंगा नाच करती है मार्केट में। जब देखो तब हमारी चाय की ठेले पे आती है और हमसे कहती है, चाय पिलाओ भैया जी। और हम तमीज से चाय देते भी हैं तो कहती है, भैया जी आप भी पीजिए। हम बेचारे शरीफ आदमी पी भी लेते हैं। हम पीने लगते हैं तो हमारे बिस्कुट के पैकेट में से एक बिस्कुट डुबो देती है यार। अब बताओ कितना मेहनत लगता है उस चाय में से बिस्कुट निकाल के खाने में, फिर चाय को छान के फिर पीने में। अरे भैया, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे लग रहा हो रेगिस्तान में सुई ढूंढने का काम हो गया यार। चाय में से बिस्कुटी तो ढूंढना है, छट छट ढूंढ लो बेटा। छट छट करके कान के नीचे बजाते भी है। अगली बार से तुम्हारी बीबी दिख गई ना तो बेटा पिछवाड़ा लाल करके भेजेंगे उसे घर पे। अरे भैया, गंदी बात ना करो यार, भाभी माँ समान होती है। हाँ तो बेटा ये बात तुम पे भी लागू होती है। हमारी बीबी को दिन भर ताड़ते रहते हो, एकदम ऐसे बन गए हैं जैसे लग रहा हो कैमरा हो। दिन भर पीछे घूमते रहते हैं, ये ना देखते हैं तुम्हारी बीवी नंगा नाच करके नाचती रहती है दिन भर। कभी उसे भी देख लिया करो कैमरा बन के। अरे अरे भैया यार, आप तो इतना गुस्सा कर रहे हो यार, एक चाय में बिस्कुट डाल के खा खा लेती है यार। कुछ और थोड़ी डालवाने को कहती है, कुछ और कहे तो बताओ। तुम्हारी बीवी के नियत फाइनल लगते हैं रे, पहले बता दे रहे हैं। आइंदा से हमारी दुकान पे भेज दिए ना तो बेटा डंडा घुसेड़ देंगे तुम्हारे मुंह पे, और ऐसी जगह से निकालेंगे ना कि क्या बताएं, दर्द होगा बाद में हगने में भी। अरे भैया, बिल्कुल मजेदार आदमी हो यार, कहाँ से निकालोगे पिछवाड़े से। सोचो पिछवाड़े में से डंडा हगते हुए आदमी कितना बढ़िया लगेगा। ओ बेटा चिकर मुग्गे, ये बताओ कि पहले तुम लाल बन के काहे घूमे पड़े हो। अरे भैया क्या बताएं। अरे भैया आपको क्या बताएं। बेटा ऐसा करो ना, तुम हंस लो, पहले अपनी बत्तीसी पहले दिखा लो हमें, जैसे लग रहा हमने तुम्हारी बत्तीसी देखी ना हो। दांत फाड़ के हंसे पड़े हैं, तमीज से हम पूछ रहे हैं क्या हुआ है, इसके बजाय ये हंसे पड़े हैं, हंसे पड़े हैं। अरे भैया हम बता रहे हैं। क्या बताए यार भैया। अच्छा छोड़ो, ना बताओ ना बताओ। अरे भैया बता रहे बता रहे। वैसे बता दिए ना तो एक कंटाप जड़ी देंगे, कह दे रहे हैं अब हम कुछ ना सुनेंगे। अरे भैया गुस्सा काहे हो रहे हो यार, बता ही रहे हैं यार, इतना गुस्सा हो गए तो काम नहीं चलेगा। तुम्हारे घर आके खाते हैं क्या, काम नहीं चलेगा। नहीं तो तमीज से पूछ रहे हैं क्या हुआ है, उसकी जगह हंसे पड़े, हंसे पड़े, नहीं नहीं हंसे पड़े हैं। अरे भैया हमें ललेरिया हुआ है। ये क्या होता है। अरे भैया ये बीमारी नहीं है, हम पड़ोस के गांव में जा रहे थे, वहां पे कुछ बच्चों ने मिलके हमें सूद दिया, उसके बाद हमारा ये हाल हो गया है यार। भैया बेटा,
हमने प्यार से मांगा कि बेटा हमें दे दो, हमें दे दो। हमें देने के बजाय तुम पड़ोस में दे आई हो। क्या मतलब? कह रहे हैं कि हमने प्यार से तुमसे कहा कि लाओ हम तुम्हारा पिछवाड़ा लाल करके सूते हैं, उसने नहीं दिए। अब पड़ोस के गांव में सुता के आ गए, शर्म नहीं आती है? कौन से हक से तुम कहते हो हमारे दोस्त हो? इससे बढ़िया तो हम कुत्ता पाल ले। नहीं नहीं भैया, कुत्ता मत पालो यार भैया। हाँ तो तुम्हारे जैसे गधे दोस्त पाल ले। हम प्यार से कहते हैं आओ जरा हम भी सूत ले तुम्हें। नहीं, हमसे कहते हो हम नवाब हैं। नवाब दिखाता है तो दूसरी जगह दिखाओ, हमारे सामने नवाबगिरी झड़ती है तुम्हारी। अरे भैया इतना गुस्सा मत हो यार, बड़ा टेंशन में रहते हो यार तुम। अरे तुम्हें क्या हुआ है यार, जैसे लग रहा पूरे शरीर में कोलगेट घिस लिए हो। अरे भैया कोलगेट नहीं घुसे यार। यार तुम्हें क्या बताएं यार, हमारे शरीर पे आटा गिर गया था यार, तब से नहाए नहीं है। काहे? अरे तुम तो जानते ही हो भैया, हम काले बहुत हैं। तो सोचे कहा नहाना गोरे हो जाते हैं, ऐसी बात है का माहौल बना रहे हैं ना बिल्कुल। अरे यार बिल्कुल अजीब आदमियों के पास हमारा पाला पड़ गया है यार। एक साला हमारी बीबी को ताड़ता है, एक साला पड़ोसिन में पिटकी आता है, और एक नहाने के लिए आलसी बना पड़ा है। भैया नहा लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई आटा बन के गूंद ले और पूड़िया तल के चख ले। किसी के बारात में हलाल मत हो जाइयो। अरे भैया ऐसा नहीं है यार। ऐसा क्यों नहीं है? हमारे दोस्त की शादी है, बोल देते हैं कि आटा होटा मत खरीदो, तो हमारा एक दोस्त है जो आटा लेके घूमे पड़ा है, उसी को सान लो, बना लो पूड़िया, खाएंगे हम सब बैठ के, बिल्कुल मजा आ जाएगा, माहौल बन जाएगा तगड़ा वाला। नहाने में हस्कत आ रही है, हड्डियां गल रही है नहाने में। जाड़े में तो ऐसा लगेगा कि ये तुम हगोगे ना जाके, चार दिन का उसी में कांख के बैठे रहोगे। अरे भैया तुम्हें क्या बता, हम ठंडियों में जाते ही नहीं है, उसी में सड़ाते रहते हैं और उसमें से ठुसकी ठुसकी गैस छोड़ते रहते हैं, बिल्कुल सुगंधित हो जाता है।